हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो कैसे हो आप लोग? कल जो मार्केट ने डरा दिया था, एंड लेट्स सी आज क्या हुआ। सो एनीबॉडी रिमेम्बर व्हाट वी हैव डिस्कस यस्टरडे? वी डिस्कस की मार्केट ये एक रेंज है जहां पे आएगा बाजार, और फिर बाजार यहां से बाउंस कर सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट हैज डन लाइक दैट, राइट? सो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, नेवर ड्राइव योर डिसीजन बाय द फियर और वॉट मार्केट हैज डन। यू शुड ऑलवेज बी रैशनल, यू शुड बी ऑलवेज अलाइन योर सेल्फ विद वॉट हैपन इन द मार्केट, राइट? बिकॉज मार्केट जो करता है उसके साथ ही अपने को अलाइन करना है। ये फॉल से आप डर जाओगे तो आप कैसे मार्केट में काम कर पाओगे, राइट? सो ये फॉल था, दैट्स ओके, मार्केट का एक रिएक्शन था, एंड मार्केट का ये भी एक रिएक्शन है, राइट? सो व्हाट आई टोल्ड यू, काफी ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे आप लोगों को बहुत सारे मैसेज आए होंगे, मार्केट में ये हो गया, फ्रॉथ है, ये है, वो है, फलाना ढींकना, राइट? मार्केट डज नॉट केयर अबाउट एनी बडी इंक्लूडिंग मी, राइट? मार्केट डज नॉट केयर अबाउट माई ओपिनियन ऑल्सो। सो इफ मार्केट हैज फॉलन दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज रिएक्शन, राइट? व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे, वी नीड अ फॉल ऑफ सेलिंग, वी नीड अ फॉल ऑफ सेलिंग, वी नीड अ फॉल ऑफ सेलिंग, वी नीड अ फॉल ऑफ सेलिंग। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, राइट? इफ देर इज अ ट्रेंड, इट विल टेक टाइम, राइट? टू मेक द ट्रेंड, टू ब्रेक द ट्रेंड, राइट? नथिंग हैपन्स, इट ओनली हैपन्स, मतलब आपके दिमाग में ही ट्रेंड बनता है, टूटता है घंटों में। मार्केट में ऐसा नहीं होता है, मार्केट में ट्रेंड बनने में टाइम लगता है, राइट? आप सोचो, ये जो नीचे गया, नीचे गया, तो बॉटम बनने में टाइम लगा, नहीं लगा? फिर उसके बाद एक रैली आया ना, तो ये भी टॉप बनेगा तो टाइम लगेगा ना। सो डू यू वॉन्ट टू बी ए ट्विटर गाय, यूट्यूब गाय, और व्हाट्सएप गाय की जो हर फॉल पे ट्वीट करते हैं, मैंने बोला था, मैंने बोला था, मैंने बोला था, राइट? आर यू इन टू मैंने बोला था? गाइज, ये सब चीजों से बाहर आने की कोशिश करो। मैंने बोला था, मैंने, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? आप 5 बार बोले और 1 बार हो, उसका क्या मतलब है, राइट? सो वी आर नॉट हियर टू प्रेडिक्ट, वी आर नॉट हियर टू बिकम स्मार्ट, वी आर नॉट हियर टू शो एनीबॉडी दैट आई एम स्मार्ट, वी आर हियर टू, व्हाई वी आर हियर, मैं कल के वीडियो में आंसर करूंगा इसका जवाब। पर आप मुझे जरूर बताइए कि व्हाट, व्हाई वी आर हियर, या सो आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉमेंट्स। एंड कैसा रहा कल, हमने जो वीडियो एक्सप्लेन किया, मार्केट ने आज कहीं ना कहीं वैसा ही किया, राइट? सो दैट वॉज अ प्रोबेबिलिटी, वी डिड नॉट नो, वी जस्ट फॉलो द मार्केट एंड हिस्टोरिकल मार्केट स्ट्रक्चर, राइट? सो क्या मैंने प्रेडिक्ट किया था? नो, मैंने आपको बार बार बताया था कि मार्केट में हमेशा अपने को फॉलो अप सेलिंग चाहिए या फॉलो अप बाइंग चाहिए, राइट? सो दैट्स इट। सो फॉर टुमोरो, निफ्टी ये एक जोन है जो गिरा, मैंने बोला था यहाँ पे एक जोन है जहां पे सेलिंग आ सकता है, तो बाजार यहाँ कहीं ठीक है, बट लास्ट में क्लोजिंग देखो आप, मार्केट ने ऊपर किया है। सो जो कल के जो सेलर्स थे ना, उनमें आज इतनी ताकत नहीं थी यहां से इसको बाजार में गिरा दे, राइट? सो सेलर्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, दैट्स द मैसेज फ्रॉम द मार्केट। सो बाजार, मान लो ये जो 21,200, मान लो यहाँ पे नीचे आता है, ये एक जोन है, इसके नीचे जाके वॉल्यूम के साथ सस्टेन होता है तभी हम शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कहीं पे आता है और फिर ऊपर जाता है तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट? ये एक ऐसा जोन है, अब इसको ध्यान रखिए, इसके नीचे ऊपर बाजार कैसे स्पीड से जाता है, क्या? सो बैंक निफ्टी, वेरी इंटरेस्टिंग। कल एनीबडी रिमेंबर द ऑब्जर्वेशन, अगर बाजार बहुत खराब है तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरने चाहिए था, जो नहीं गिरा, और आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी हैज रिकवर्ड ऑलमोस्ट यस्टरडेज फुल लॉसेस, राइट? ये यस्टरडे का हाई है, यहां से गिरना शुरू हुआ था, आज का क्लोजिंग भी वही है। अगर आपने 2 दिन मार्केट नहीं देखा तो आपको पता भी चलता क्या मार्केट में फॉल है? व्हाट आर योर अंडरस्टैंडिंग गाइस? इफ एवरी फॉल इज अ टॉप, देन यू विल बी गोइंग टू बी डू ब्लंडर्स टू योर लाइफ, एंड इफ एवरी राइज इज अ बाय, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू ब्लंडर्स ऑफ योर लाइफ, राइट? एंड ये ब्लंडर्स मैं कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन से ही, मैं ये सब चीजें एक्चुअली बैंक निफ्टी भी हमने डिस्कस किया था, जो मैं एरो हमेशा रख के रखता हूँ कि भी अपने को पता चले नेक्स्ट दिन हमें, तो ये एरो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि बाजार एक पुल बैक अदर से था, और देखो पुल बैक क्या, पूरा रेंज ही खत्म कर दिया बाजार ने, पूरा कल का फॉल ही खत्म। सो दैट्स अ मैसेज फ्रॉम द मार्केट, बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गेस्ट,
यू शुड फोकस, अगर यहां से तेजी होगा तो बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के रिलेटेड स्टॉक्स में ज्यादा तेजी हो सकता है, वो दैट इज द मैसेज फ्रॉम द मार्केट, राइट? सो फॉर टुमारो एग्जांपल, मान लो यहाँ पे कहीं पे एक आता है 47,800 समथिंग और फिर ऊपर जाता है, यू कैन लुक फॉर अगेन लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. अब शॉर्ट, जब तक ये 47,400 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाता है वॉल्यूम के साथ और सस्टेन नहीं रहता, तब तक यू कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग. क्या सो डेली देखेंगे तो अगेन वी आर नियर टू द ऑल टाइम हाई, राइट? और अगर हम क्लोजिंग देखेंगे, लेट्स लुक द क्लोजिंग, जो ऑल टाइम हाई के क्लोजिंग के पास ही क्लोजिंग किया है बाजार ने. Yeah. So the point what I'm trying to say is don't make yourself a fearful by such noise, right? Market mein aisa sab kuch aata rahega, but the question is, are you ready to align yourself with the market rather than predicting and having a fear, right? So keep riding the positions. I hope you all will apply this in your trading, right? Same way Fin Nifty bhi dekhenge, kal ka jo fall tha, uska 70% fall ko cover kar diya bajar ne, right? So, यहां तक आया, सेलर्स ने कोशिश किया पर वापस बायर्स एग्रेसिवली आ गए बाजार में, राइट? सो दैट्स द मैसेज फ्रॉम द मार्केट. जब तक 21,200 के नीचे फिर से नहीं जाता है फिर निफ्टी, तब तक आप शॉर्ट के बारे में नहीं सोच सकते हैं. यहाँ पे कहीं पे रिट्रेसमेंट और फिर ऊपर जाए तो लुक फॉर अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. क्या एंड जैसे इसके ऊपर जाएगा बाजार, ये रिसेंट आए और तेजी बाजार में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज देर आर मेनी पीपल मे बी हु विल हैव शॉर्टेड, देर आर मेनी पीपल हु हैड एग्जिटेड इन अ पैनिक एंड फिर सडनली वो बाय करने आ जाएंगे, राइट? सो आज देख सकते हो, कल स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा गिरावट थी तो आज 2% स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा है, राइट? सो मेनी टाइम आई डोंट अंडरस्टैंड, डू यू थिंक मार्केट में हर बार काफी चीजें रिपीट ही होती है? सी दिस, बड़ा सेलिंग रिकवरी, बड़ा सेलिंग रिकवरी, यहाँ पे भी बड़ा सेलिंग और देखो रिकवरी, तो देखो कितना रिकवर कर दिया बाजार ने. आप देखो ऑलमोस्ट कल का जो फॉल था उसका 50% फॉल तो आज बाजार ने रिकवर कर दिया. सो अब देखो बाइंग आया, देन स्टेबल, देन बाइंग, राइट? देयर इज नो फर्दर सेलिंग. व्हाट वी नीड गाइस, और हमेशा मैं आपको बताता हूं, राइडिंग बुल मार्केट इज नॉट इजी. चार्ट आप लोग देख लेते हो, हाँ ये ले लिया, ये बेच दिया, ओ वाओ व्हाट अ ट्रेंड. बट जब आप ट्रेंड में होते हो ना, तब आपको ये जब दिन दिखता है ना, तो आगे का नहीं पता है ना आपको, तो आप यही दिन देखते हो, अरे यार बाजार टॉप आउट हो गया, इतना बड़ा है बाजार, कितना बाजार बढ़ गया है, राइट? उस टाइम भी मुझे याद है ट्विटर के काफी सारे एक्सपर्ट, स्मॉल कैप बहुत बढ़ गया है अब तो गिरेगा, राइट? ये दिन देख के जब 4% घटा, फिर क्या हुआ? फिर अगेन आया, बोला अब तो कंफर्म हो गया टॉप. क्या बहुत सारी वार्निंग आएगी व्हाट्सएप ट्विटर पे, क्या हुआ? मार्केट रैली. यहां पे भी अब आ गए मैसेज, तो टाइगर आया, टाइगर आया, एक दिन तो टाइगर आएगा बॉस, यू विल बी राइट वन डे, बट व्हाई आर यू हियर अगेन, माय क्वेश्चन टू यू, मेरा सब लोगों से आपको एक ही क्वेश्चन है, आप लोग आए क्यों ये बाजार में? मुझे जवाब जरूर दीजिए कमेंट में, मैं कल आपका आंसर रिलीज करूंगा कि व्हाई यू आर हियर इनटू द मार्केट. ये भी हुआ, ये भी हुआ, उसके बाद चले गया. क्या हमें पता है यहां से ऊपर जाएगा? नो. क्या हमें पता है यहां से नीचे जाएगा? नो. बट मार्केट जो करेगा उसके साथ हम अपने आप को अलाइन करेंगे. मान लो यहां पे आया सेलिंग, फिर ऊपर गया, फिर अगेन सेलिंग आएगा, तो फिर हमें पता चलेगा कि बहुत सेलर्स आ रहे, नाउ डोमिनेटिंग द मार्केट, सो देन वी नीड टू एडजस्ट अवर सेल्फ. या सो किस लिए आए हो मार्केट में, आप जरूर बताइएगा कॉमेंट में. और कल का वीडियो देख के आपको क्या समझ में आया था और आपने अपने आप को कैसे संभाला या कैसे अपने आप को एडजस्ट किया, आप जरूर बताइए कल का वीडियो, क्या आपको हेल्प किया टू अलाइन योरसेल्फ विद द मार्केट, एंड शेयर मी योर फीडबैक, राइट? एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो.